हाय गाइस, मेरा नाम है, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्त रोशिल को स्वागत है आप सभी का फेसबुक फ्री मनी मेकिंग कोर्स का 10th एपिसोड पे। दोस्तों, अगर आपने लास्ट एपिसोड तक मुझसे जुड़े थे तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे पेज पे प्रॉपरली वीडियो को अपलोड किया जाता है और कितना कितना डिफरेंट टाइप का पोस्ट आप आपके पेज पे कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी उन सारे एपिसोड को देख के सीख गए हो कि पेज पे कैसे पोस्ट को करना है और आपने काफी हद तक कर भी चुके हो, तो आज का ये एपिसोड आपको सिखाएगा कि पेज को कैलकुलेट कैसे करना है, क्योंकि जब तक पेज का कैलकुलेशन पता नहीं चलेगा तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते हो। तो आज के एपिसोड पे आपको जानने के लिए मिलेगा फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो किस बला का नाम है और इस टूल को यूज करके आप लोग कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो आपके पेज का बराबर से। और पेज का पूरा बैकएंड जो है वो क्रिएटर स्टूडियो के अंदर रहता है। कितना सारे फंक्शनलिटी क्रिएटर स्टूडियो के अंदर है, हर एक टूल को आप कैसे मैक्सिमम लेवल पे यूज करोगे एडवांस तरीके से और इसका क्या बेनिफिट है जो आपको मिलेगा, पूरा ए टू जेड आज क्रिएटर स्टूडियो का मैं बताने वाला हूं। तो ये एपिसोड काफी हद तक नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि एपिसोड भले बड़े हो मगर देखना आपको पूरा है, क्योंकि नॉलेज पूरा मिलेगा यहां से। तो बिना कि आपको बोर, चलिए इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला बात जो एकदम न्यू क्रिएटर को डाउट आता है, किसी किसी को यही पता नहीं चलता कि क्रिएटर स्टूडियो टूल दिखने के लिए कैसा होता है और कहां पे मिलता है। अगर आपका पेज जैसे मेरा ये पेज है क्लासिक टेम्पलेट पे, अगर आपका भी इसी फॉर्मेट पे पेज है तो आपको क्रिएटर स्टूडियो यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। इस पे क्लिक करके ओपन भी कर सकते हो क्रिएटर स्टूडियो टूल को। अगर आपका प्रोफाइल के जैसा पेज हो गया है, जो कि एकदम दिखने में प्रोफाइल के जैसा है, तो आपको ना आपके फेसबुक के जो अकाउंट है उसको लॉगिन करते ही यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन मिल जाता है, तो पेज के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं होता है। अदरवाइज आप लोग स्विच करके यहाँ पे क्लिक करके स्विच प्रोफाइल पे हो आप, तो आपको जो भी पेज का अभी चेक करना है क्रिएटर स्टूडियो उस अकाउंट पे जाना है और उसके बाद आपको वहां से क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करना है मैनेज ऑप्शन पे क्लिक करके। तो ये हो गया क्रिएटर टूल को एक्सेस करने का ऑप्शन। और बहुत सारे लोग जो न्यू क्रिएटर है उन लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पेज तो है हमारा मगर क्रिएटर स्टूडियो टूल नहीं है, गायब हो गया, डिलीट हो गया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्रिएटर स्टूडियो टूल जो है वो अलग अलग पेज के फॉर्मेट पे अलग अलग जगह पे दिखने के लिए मिलता है। पुराने फॉर्मेट पे किसी किसी का पब्लिशिंग टूल के अंदर भी क्रिएटर स्टूडियो जो है वो ऑप्शन रहता है, आपको सिर्फ ढूंढ के निकालना है। अगर आप मोबाइल यूजर हो तो आप क्रिएटर स्टूडियो ऐप है फेसबुक का, जिसको आप लोग जो है इंस्टॉल कर सकते हो और उस ऐप के थ्रू आप लोग अगर आपके अकाउंट के अंदर 2, 4, 6 पेज भी है तो उसको भी आप ऑपरेट कर पाओगे उसी क्रिएटर स्टूडियो ऐप के थ्रू, तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो हालांकि मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि आप लोग ढूंढ ही लोगे क्रिएटर स्टूडियो टूल कहाँ पे है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रिएटर स्टूडियो का क्या बेनिफिट है, उस पर क्या फंक्शनलिटी है और कैसे हम हमारे पेज का कैलकुलेशन उस क्रिएटर स्टूडियो टूल के हवाले से कर सकते हैं। तो उसको जानने के लिए मैं आपको क्रिएटर स्टूडियो पे लेके आया। जैसे ही आप क्रिएटर स्टूडियो टूल ओपन करोगे तो आपको भी ऐसा ही फॉर्मेट दिखने के लिए मिलेगा जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो रहता है क्रिएटर स्टूडियो के अंदर वो है क्रिएट पोस्ट, जो कि आप लोग अगर पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आपने काफी हद तक क्रिएटर स्टूडियो टूल का यूसेज भी देखा है, मगर वहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके नहीं बताया है, जो कि आज के वीडियो पे आपको जानने के लिए मिलेगा और एडवांस लेवल पे जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला जो रहता है क्रिएट पोस्ट, इस पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहां से ही आप क्रिएट पोस्ट कर सकते हो। कल भी मैंने अपडेट दिया था, ये क्रिएट पोस्ट पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी जो है पोस्ट कॉम्पोज का भी एक ऑप्शन आ रहा है।
अगर आप आपके पेज पे वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड वीडियो पे क्लिक करके भी आप लोग अपलोड कर पाओगे। अगर लाइव जाना है आपके पेज पे तो गो लाइव पे क्लिक करके आप लोग जो है क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू ही आपके पेज पे लाइव जा पाओगे। अगर मल्टीपल वीडियोस को एक ही साथ अपलोड करके ड्राफ्ट करके शेड्यूल पे लगाना है तो भी आप लोग यहाँ से मल्टीपल वीडियोस को कर सकते हो। एट 50 वीडियो तक ऑलमोस्ट आप मल्टीपल वीडियो को अपलोड कर सकते हो एट ए टाइम। और यहाँ पे ऐड स्टोरी जो हम हमारे पेज पे स्टोरी लगाते हैं तो वो भी आप यहाँ से लगा पाओगे। अल्टीमेटली आप लोग आपके पेज पे किसी भी तरीके का फॉर्मेट का अपलोड करना चाहते हो तो वो भी आप क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू ही कर सकते हो। और यही मेरा रिकमेंडेशन है, आप नॉर्मली पेज पे जाके कोई भी चीज़ को अपलोड मत करो, आप क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू अपलोड करो, क्योंकि इस पे कस्टमाइजेशन ज़्यादा है, फीचर्स ज़्यादा है, आपको सब कुछ कस्टमाइज करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। अब बात आता है कि चलो हमने हमारे पेज पे पोस्ट कर लिया बहुत सारे, इसके बाद ही दोस्तों असल में क्रिएटर स्टूडियो का यूसेज आता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा यहां से आप लोग हर चीज का कैलकुलेशन कर सकते हो, आपके प्रोग्रेस का, आपके पेज का एनालिटिक्स जो है वो ही इटसेल्फ क्रिएटर स्टूडियो है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन सेकेंड जो आता है वो आता है नोटिफिकेशन का। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस है तो नोटिफिकेशन वगैरह चेक करने में दिक्कत होता है, तो आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग क्रिएटर स्टूडियो के अंदर ही नोटिफिकेशन ऑप्शन मिल जाता है। कुछ भी पेज पे अलर्ट आता है तो यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, कुछ भी रिकमेंडेशन आता है फेसबुक के तरफ से तो यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको कोई भी अपडेट्स जो है आपके पेज पे कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है ऑडियंस द्वारा या फिर आप कुछ कर रहे हो तो ये सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर आपको रिप्लाई करना है उन नोटिफिकेशनों में तो सिंपली से आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद रिप्लाई करना है तो सारे डेटा आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिएटर स्टूडियो का, जो के होता है कंटेंट लाइब्रेरी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कंटेंट लाइब्रेरी ऑप्शन दिखने के लिए मिल रहा है। किसी किसी के क्रिएटर स्टूडियो के अंदर ये ऑप्शन के नीचे आपको दो ऑप्शन और नजर आएगा, एक प्री पब्लिशिंग, एक पोस्ट पब्लिशिंग। दोस्तों ये जो कंटेंट लाइब्रेरी है जो पुराना फॉर्मेट पे रहेगा उनको ऐसा ही नजर आएगा अभी भी, मगर जो नया अपडेट है जिन लोगों को वो मिल चुका है उन लोगों को कंटेंट लाइब्रेरी के ठीक नीचे ही दो ऑप्शन आएगा, एक प्री पोस्ट, एक जो है आफ्टर पोस्ट। तो प्री पोस्ट वाला जो ऑप्शन रहता है प्री पब्लिशिंग, उस पर आपको जो है आप अगर कोई भी चीज़ को शेड्यूल लगाते हो तो वो वाला कंटेंट वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, अगर आप कुछ ड्राफ्ट करते हो तो वो वाला कंटेंट वहाँ पे प्री पब्लिशिंग टूल के अंदर शो होगा। ये दो ऑप्शन प्री पब्लिशिंग टूल के अंदर डाल दिया गया है। और जो पोस्ट पब्लिशिंग है वो होता है पब्लिश किए गए कंटेंट, जो कि अभी आप नॉर्मल में यहाँ पे पोस्ट पब्लिशिंग कंटेंट ही देख रहे हो। और शेड्यूल वगैरह यहाँ पे क्लिक करके, ड्राफ्ट वगैरह यहाँ पे क्लिक करके, एक्सपायर्ड वाला यहाँ पे क्लिक करके, एक्सपायरिंग वाला यहाँ पे क्लिक करके आपको देखना होता है। तो इसी चीज को दो मतलब पॉइंट पे डिवाइड करके इस टूल के अंदर ही दो ऑप्शन बना दिया गया है। तो हो सकता है आपको ऐसा ना दिखने के लिए मिले, तो घबराना नहीं है, सेम चीज है, अपडेट हुआ है। अब कंटेंट लाइब्रेरी जो है या फिर पी पब्लिशिंग और पोस्ट पब्लिशिंग जो टूल है क्रिएटर स्टूडियो के अंदर वो बहुत किफायती है। यहाँ से आप अंदाजा लगा पाओगे कि आपके कंटेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, और यहाँ पे बहुत इन डेप्थ आपको बैकएंड कैलकुलेशन मिलेगा हर एक वीडियो कंटेंट का, जो कि एज ए क्रिएटर आपको बहुत जरूरी है। से फॉर एग्जाम्पल मैं यही कंटेंट को ले लेता हूं, ये लास्ट मेरे पेज पे अपलोड किया गया है। अगर हम यहाँ पे कंटेंट लाइब्रेरी पे आके एडिट वाला ये जो थ्री डॉट रहता है इस पे हम क्लिक करेंगे और फिर व्यू इनसाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू इनसाइट, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो हमें हमारे पर्टिकुलर वीडियो पे वीडियो लेवल का एनालिटिक्स जानने के लिए मिलेगा कि इस वीडियो पे कितना सेकंड का व्यूज हो रहा है, कितना मिनट का व्यूज हो रहा है, एवरेज मिनट व्यूज कितना है हमारे वीडियो पे, एंगेजमेंट कितना हो रहा है, टोटल मिनट व्यूज कितना आ रहा है, और वीडियो का ग्राफ कैसा जा रहा है डेट बाई डे।
ये पूरा डिटेल अगर आपको जानना है वीडियो लेवल पे, तो आपको यहाँ पे ही क्रिएटर स्टूडियो के अंदर कंटेंट लाइब्रेरी मतलब के पोस्ट पब्लिशिंग टूल के अंदर मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, आपको आगे और भी जानकारी मिलेगा जो कि एज ए क्रिएटर आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको ऑडियंस रिटेंशन कितना है वीडियो का, मतलब कितना टाइम तक ऑडियंस इस वीडियो पे पकड़ के रखा है, वो भी आपको परफॉर्मेंस जानने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपका वीडियो रिकमेंडेशन एल्गोरिदम को ट्रिगर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी आपको यहाँ से पता चलेगा, जो कि मेरे केस पे 89% है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है ऑडियंस रिटेंशन या फिर आपका जो वीडियो परफॉर्मेंस। और उसके साथ जो रिकमेंडेशन टूल का ग्राफ है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका वीडियो रिकमेंडेशन एल्गोरिदम को ट्रिगर नहीं करेगा, ये 100% में कैलकुलेट होता है, यहाँ पे 89% मतलब कि अच्छा है, ये अगर आपका अच्छा जाता है ये ग्राफ जो नीला वाला आप देख रहे हो, तो यहाँ पे चांसेस हो जाता है आपका वीडियो वायरल होने का, मतलब आपका वीडियो का परफॉर्मेंस अच्छा रहने का। और यहाँ पे फॉलोअर्स से कितना आ रहा है वो भी शो कर रहा है। उसके बाद आपको ऑडियंस एंगेजमेंट क्या है, आपके वीडियो पे रिएक्शन कौन सा कितना आया है, वो भी डिटेल यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए मिल जाएगा, पूरा कैलकुलेशन आपको मिलेगा। उसके बाद जो हाई एंड थिंग है वो है आपका ऑडियंस कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन सा रीजन से देख रहा है, पूरा स्टेट वाइज डेटा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आपके कंटेंट को स्टेट वाइज टारगेट करके फिर आप बना सकते हो, और ये सब कुछ आप तभी कर पाओगे जब आपके पास क्रिएटर टूल का पावर आता है। ये सारे चीज़ों को एज ए क्रिएटर समझना बहुत बहुत वाइटल है। कंट्री कौन सा मतलब आ रहा है, ये भी आपको जानकारी मिल जाएगा। एज जेंडर के बारे में भी पता चलेगा कि कितने उम्र के बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कितने उम्र के लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से मैन कितना परसेंट है, वुमेन कितना परसेंट है, सब डेटा आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल समझाने वाला हूँ। जैसे कि ये वीडियो, इसका आप देख सकते हो यहाँ पे एक पोस्ट रिएक्शन करके ऑप्शन रहता है, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक रहता है, हाइड पोस्ट का एक ऑप्शन आता है कि जब भी इस वीडियो को लोगों के फेसबुक वॉल पे दिखाया गया है, फेसबुक के एल्गोरिदम के द्वारा सजेस्ट किया गया है, तो कितने प्रतिशत लोगों ने उस पोस्ट को हाइड कर दिया है अपने वॉल से, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आता है। हालांकि मेरे केस पे किसी ने भी नहीं किया है, हाइड जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। ज़्यादा हाइड हो रहा है इसका मतलब आपका वीडियो ज़्यादा वायरल हो रहा है और न्यू ऑडियंस तक पहुँच रहा है, उसी वजह से हो सकता है हाइड हो रहा है। तो दिन में एक पर्टिकुलर वीडियो का जो हाइड है वो अप्रोक्सीमेटली 300 होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर हाइड ऑल वाला ऑप्शन पे यहाँ पे आएगा तो आपको जो वीडियो डालने का रेशियो है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, मीटर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अगर दिन में दो वीडियो अपलोड कर रहे हो और 300 से ज़्यादा आपका पोस्ट हाइड हो रहा है, तो आपको स्लो डाउन करके उसको एक या दो करना है। और ये भी आपको तभी करना है जब आपके पेज पे कोई भी पॉलिसी का उल्लंघन किया गया है, मतलब स्पेशली मैं कहूँगा जब आपके पेज पे कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन होता है, तब इन सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, नहीं तो बाकी केस पे आपको कुछ नहीं होगा। क्योंकि इन सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं रखोगे तो हो सकता है आपका पेज का जो रीच है वो फेसबुक कम कर दे। तो रीच को मेंटेन रखने के लिए इन सारे चीज़ों के ऊपर वर्क करना होता है। थोड़ा सा एडवांस है, सीखना तो आपको है ही, एक्सप्लेन तो मैं करने वाला हूँ, तो आपको समझना है वीडियो को। तो ये सारे चीज़ यहाँ से आपको पता चलता है, जो कि आपके कैलकुलेशन को और भी बेहतर करेगा, आपके एनालिसिस को पेज लेवल पे और भी बेहतर करेगा। और ये सब तब पॉसिबल होगा जब आप क्रिएटर स्टूडियो पे आओगे और इन सारे चीज़ों के बारे में जानोगे। तो ये हो गया वीडियो लेवल वाला पार्ट, ठीक है दोस्तों, जो कि कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर। तो एक एक वीडियो का आप जो है यहाँ से एनालिसिस कर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करके अपना अगला स्टेप कैसा कंटेंट क्रिएट करें, किसको टारगेट करें और किस तरीके के ऑडियंस कहाँ से देख रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या रिएक्शन आ रहा है, पूरा एनालिसिस जो है वो आपको क्रिएटर स्टूडियो के अंदर कंटेंट लाइब्रेरी पे देखने के लिए मिलेगा।
और उसके साथ दोस्तों बाकी और भी ऑप्शंस रहते हैं जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन, इंप्रेशन, पीपल रीच, एंगेजमेंट, अ लिंक क्लिक, कमेंट, शेयर, रिएक्शन, ये सारे डेटा जो है आपको यहाँ से दिखने के लिए मिलता है। इसीलिए क्रिएटर स्टूडियो का इतना ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ता है, क्योंकि ये बैकबोन है हमारे पेज का। अब दोस्तों बढ़ूंगा अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो है यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर रहता है पोस्ट टेस्टिंग। ये वाला फीचर फेसबुक ने नया लाया है और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे है। अगर आपको पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है वो जानना है तो जरूर एक बार सर्च करना। क्या सर्च करना है? पोस्ट टेस्टिंग, फेसबुक पोस्ट टेस्टिंग सर्च करोगे वीडियो मिल जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ इसका असल में है क्या। आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है टेस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब हम पोस्ट को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। दोस्तों इस ऑप्शन के द्वारा इस टूल के अंदर आप लोग आपके एक ही कंटेंट को डिफरेंट वेरिएशन में अपलोड कर पाओगे एट ए टाइम। इसके बाद वो चार वेरिएशन चार टाइप के ऑडियंस को दिखाया जाएगा, फिर उसमें से जो बेहतर परफॉर्मिंग कंटेंट होगा उसको फाइनली आप आपके पेज पे पब्लिश कर पाओगे, जिससे आपका कंटेंट का विजिबिलिटी और आपका पेज मतलब पेज पे उस कंटेंट का एंगेजमेंट बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ही किफायती टूल है, नया नया आया है, इसको ज्यादा इंप्लीमेंट करोगे तो ज्यादा सक्सेस आपको ही मिलेगा। अगला जो पॉइंट है वो है स्टोरी का। स्टोरी आज के डेट पे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। आप जो भी स्टोरी अपने पेज पे डालोगे उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल जाएगा स्टोरी वाला सेक्शन पे। मगर यहाँ पे आपको रेगुलर डालने से ही फायदा मिलेगा, इवन आप यहाँ से जाके भी ऐड स्टोरी कर सकते हो। तो ये भी एक किफायती टूल है। अगर स्टोरी के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो फेसबुक स्टोरी फीचर डाल के सर्च करो, मेरे चैनल पे वीडियोस है। उसके बाद आता है वीडियो यू कैन क्रॉस पोस्ट, मतलब जो भी वीडियो को आपने क्रॉस पोस्ट किए हैं उसके डिटेल अगर आपको देखना है तो ये वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करो तो क्रॉस पोस्ट का डिटेल यहाँ पे आएगा, कितना व्यू मिला है क्रॉस पोस्ट से, कितना एंगेजमेंट हुआ है, वो सारे डिटेल आपको ये वाला पॉइंट के अंदर दिखने के लिए मिल जाएगा। अगर किसी को क्रॉस पोस्टिंग कैसे करना है वो सीखना है, चैनल पे वीडियो है, सिर्फ सर्च करो हाउ टू क्रिएट क्रॉस पोस्ट या फिर हाउ टू डू क्रॉस पोस्ट ऑन फेसबुक, ये सर्च करोगे तो चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों प्लेलिस्ट, जो के क्रिएटर स्टूडियो के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है ये प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हो मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट बना के रखा है, और ये एग्जांपल मैं न्यू पेज से नहीं दिखा रहा हूँ, दीप्तनुशील पेज के थ्रू से दिखा रहा हूँ ताकि डेटा यहाँ पे रहे और आपको रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि न्यू पेज में मैंने कंटेंट नहीं डाला इसीलिए मैंने दीप्तनुशील पेज का ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करके रखा है, और इस प्लेलिस्ट का फायदा क्या होगा ये आपको समझना एज ए क्रिएटर बहुत जरूरी है। और प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट करना होता है यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, इस पे जाके क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको सीखना है कि प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है तो उसका डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे है, आपको सिर्फ सर्च करना है हाउ टू क्रिएट प्लेलिस्ट ऑन फेसबुक तो चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। अब समझ लेते हैं प्लेलिस्ट का क्या रोल है फेसबुक पेज पे। अगर आप प्लेलिस्ट बनाओगे, जैसे कि मैंने ये कोर्स बनाया है, अभी तक ये जो एपिसोड देख रहे हो ये 10th एपिसोड है और 10 एपिसोड को मैंने एक प्लेलिस्ट के अंदर डाल के रखा है। इससे होगा ये कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे एक सीरीज के जैसा आपको कंटेंट मिलेगा, मतलब शुरुआत से लेके कैसे फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं, फिर पेज क्रिएट करते हैं, फिर पेज पे कैसे एडिट वगैरह करते हैं, पेज का सेटिंग क्या है, एसईओ क्या है, पूरा डिटेल एक के बाद एक एपिसोड पे आता जाता है, जो कि एक ऑर्डर पे होता है तो आपको सीखने के लिए आसानी होता है। वैसे ही अगर आप प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखोगे तो लोगों को आसानी होगा, अगर लोग आपके एक वीडियो को किसी भी तरीके से न्यू ऑडियंस को दिखने के लिए मिला और उसको प्लेलिस्ट के जैसा दिखने के लिए मिला तो हो सकता है, चांसेस है कि आएगा एक वीडियो देखने के लिए मगर देख के जाएगा सारे के सारे पूरा प्लेलिस्ट में जितने कंटेंट है। तो इससे आपका जो एंगेजमेंट है, आपका जो रीच है, आपका जो वॉच टाइम है वो सारे बढ़ जाएगा। तो फेसबुक चाहता ही ये है कि आप कितना टाइम तक आपके ऑडियंस को रोक पाओ फेसबुक पेज के अंदर, जितना रोकोगे उतना ज्यादा फेसबुक आपके कंटेंट को ऑर्गेनिक प्रमोशन देगा। तो इसीलिए प्लेलिस्ट एक किफायती चीज है, इसका यूसेज आपको करना है। न्यू क्रिएटर हो सीख लो, चैनल पे वीडियो है। उसके बाद दोस्तों आता है सीरीज।
सीरीज जो है ये प्लेलिस्ट से भी अव्वल नंबर का एक आप कह सकते हो टूल है या फिर आप कह सकते हो एक फीचर है क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। और इसको कैसे यूज करना है, कैसे सीरीज को क्रिएट करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन है, पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखा के रखा हो। अगर सीखना है तो सर्च करो फेसबुक सीरीज, मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा इसको कैसे क्रिएट करना है और इसका क्या मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन आप लोग कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे इन शॉर्ट में बताऊंगा कि प्लेलिस्ट से भी अव्वल दर्जे में सीरीज है। जैसे प्लेलिस्ट पे आप एक एपिसोडिक कुछ भी चीजों को चला सकते हो, मगर जैसे से फॉर एग्जाम्पल बिग बॉस एक प्रोग्राम है जो हर साल नए नए एपिसोड पे आते हैं हर ईयरली, तो उसको आप सीरीज के अंदर डाल सकते हो। 2011 का बिग बॉस सीरीज, 2012 का बिग बॉस सीरीज, 2013 का बिग बॉस सीरीज, तो सीरीज के अंदर पहले आएगा सीजन, सीजन के अंदर आएगा एपिसोड्स, तो ऐसे करके सीरीज को सजाया जाता है। तो इससे भी ज्यादा व्यू, ज्यादा रीच, ज्यादा एंगेजमेंट, लोगों को ज्यादा टाइम तक फेसबुक पेज पे अटक के रखने के लिए ये फीचर बनाया गया है। तो इसका भी आपको फायदा उठाना है। अगर सीखना है सीरियस हो तो चैनल पे सर्च करो, वीडियो ऑलरेडी है प्रैक्टिकल में दिखा के समझा के रखा हूं। बढ़ता हूं अगला पॉइंट जो कि कंटेंट लाइब्रेरी पे ही आता है, वो आता है क्लिप्स। अब ये क्लिप्स क्या है, अगर आपको जानना है इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है तो चैनल पे सर्च करो हाउ टू क्रिएट क्लिप्स फेसबुक क्लिप्स, आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे इन शॉर्ट में ये बताऊंगा ये ऑप्शन जो है क्लिप्स, जब भी आप आपके कोई भी वीडियो से या किसी भी अदर व्यक्ति के पार्ट से कोई भी पार्ट एट्रैक्टिव पार्ट को कट करोगे एज ए क्लिप्स तो वो यहाँ पे शो होता है। इवन आप आपके गेम प्ले, जो लोग गेम खेलते हैं गेमर, वो लोग अपने बेस्ट शॉट को जहाँ पे गेम का सबसे बढ़िया प्ले होता है उस पार्ट का क्लिप्स निकालता है छोटा से और फिर उसको पब्लिश करता है पेज पे। तो इससे फायदा ये होता है कि उस क्लिप्स को आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, इवन पेज पे भी शेयर कर सकते हो, उस क्लिप्स को ओपन करके वो वाला पार्ट तो देख लेगा और उसके बाद अगर लोग चाहे तो पूरा वीडियो जो है वो भी देख पाएगा। तो उससे फायदा ये है एंगेजमेंट बढ़ता है क्योंकि वो हाईलाइट होता है। तो ये ऑप्शन भी आप यूज करो, इससे भी बहुत ज्यादा एंगेजमेंट होता है और फेसबुक एल्गोरिदम को एंगेजमेंट बहुत पसंद है, इसीलिए बार बार एंगेजमेंट के जिक्र कर रहा हूं। अगला जो दोस्तों पॉइंट आता है कंटेंट लाइब्रेरी पे वो आता है इंस्टेंट आर्टिकल का। और इंस्टेंट आर्टिकल आप तभी यूज कर पाओगे जब आपके पास फेसबुक पेज के साथ साथ एक वेबसाइट हो जिस वेबसाइट पे आप आपके खुद का ब्लॉग लिखते हो, उस टाइम पे आप इंस्टेंट आर्टिकल को मोनेटाइज कर पाओगे और जितने भी इंस्टेंट आर्टिकल आपके वेबसाइट पे डाला जाएगा जो भी ब्लॉग वो इंस्टेंटली आपके फेसबुक पेज पे भी आएगा और इसका पूरा डाटा इंस्टेंट आर्टिकल के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए ये ऑप्शन दिया गया है। अब आता है पोस्ट टाइमलाइन। दोस्तों ये पोस्ट टाइमलाइन जो है ये है आपके फेसबुक पेज का जो फीड है, जहां पे आप कोई भी पोस्ट करते हो तो उस पोस्ट के एक एक करके सब फीड जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर थोड़ा सा मैं यहाँ से नीचे करूंगा तो आप देख सकते हो एक एक करके मेरे वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि दीप्तनुशील पेज के अंदर डाला गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो टूल या नेक्स्ट जो फीचर क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आता है वो भयंकर इंपॉर्टेंट टूल है और वो है इनसाइट। तो जैसे ही दोस्तों आप इनसाइट पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन पेज का ओवरव्यू मिलता है, जहां से आपको ये अंदाजा होता है कि आपका पेज का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, कौन सा एंगल पे क्या डेटा है और डेटा को पूरा रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल ये ओवरव्यू वाला पार्ट। यहाँ पे आपको पेज का रीच, आपको पेज का नेट फॉलोअर, एंगेजमेंट, ये सारे देखने के लिए मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पे पेज का रीच का जो ग्राफ है वो भी आपको जानने के लिए मिलेगा। इस ग्राफ से भी अंदाजा लगा सकते हो कब आपका पेज का एंगेजमेंट कम जा रहा है, रीच कम जा रहा है और कब बढ़ रहा है, कौन सा डेट पे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, वो भी आप मालूम कर पाओगे ओवरव्यू के तहत। और ये जो ऑडियंस वाला ऑप्शन है ये बहुत बहुत वाइटल ऑप्शन है इनसाइट के अंदर, क्योंकि ये ऑप्शन के तहत आपको पता चल जाएगा आपके पेज के ऑडियंस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगेज व्यू, यहाँ पे आप जो है डेट सिलेक्ट कर पाओगे कस्टमाइज्ड डेट, मतलब इस तारीख से इस तारीख पेज का परफॉर्मेंस क्या है,
तो ये आपको यहां से सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, 14 दिन का, 7 डेज का, वो भी देख सकते हो आप लोग। तो यहां पे आपको एंगेज व्यूअर्स कितना हो रहा है, वो एंगेजमेंट गिर रहा है, बढ़ रहा है, 1 मिनट व्यूज कितना जा रहा है, इस बढ़ रहा है, घट रहा है, ये पूरा जानने के लिए मिलेगा। नेट फॉलोअर क्या जा रहा है, वो बढ़ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन है, मतलब क्या अच्छा है, न्यू फॉलोअर्स आ रहा है। और उसके बाद ये जो टोटल फॉलोअर वाला ऑप्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऑडियंस के अंदर, क्योंकि यहां से आपको पता चलेगा कि कितने परसेंट लोग आपको टोटल फॉलो कर रहे हैं इस पेज पे, और उस पे आपका कौन सा परसेंटेज के जो है जेंडर के लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो 13% वोमेन मेरे पेज को फॉलो करता है, 87% मैन मेरे पेज को फॉलो कर रहा है। तो कौन सा एज का लोग ज्यादा फॉलो कर रहा है, जैसे 18 से 24 वाला लोग का ग्राफ और उसके बाद 25 से 38 वाला लोगों का ग्राफ सबसे ज्यादा है। तो इससे आप अंदाजा लगा पाओगे कि आपके कंटेंट किस तरीके का ऑडियंस, किस उम्र का ऑडियंस, किस जेंडर का ऑडियंस ज्यादा देखता है, तो उस हिसाब से आप आपके कंटेंट को बना पाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंट्री, लैंग्वेज, टाउन, सिटी, ये सारे डिटेल मिलेगा, कौन सा कंट्री से देख रहा है, कौन से लैंग्वेज पे वो लोग बात करता है, कौन सा सिटीज से बैठ के देख रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑडियंस टूल के अंदर है कि आपका पेज का ऑडियंस किस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव है फेसबुक पेज पे या फिर फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा मतलब कौन सा आवर पे, कौन सा डे पे, कौन सा आवर पे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे ही ओवर करोगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे आप देख सकते हो 1 AM, 2 AM, 3 AM, तो ये ग्राफ सबसे कम किस टाइम पे रहता है, तो उस टाइम पे आपको कंटेंट नहीं डालना है। यहां से ग्राफ उठना शुरू करता है, तो इस टाइम पे डालूंगा तो इस टाइम तक ऑडियंस आपके कंटेंट को देखेगा, तो आपका कंटेंट जो है रीच बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस है। इवन इस टाइम पे भी बहुत ज्यादा चलता है, तो चलो यहाँ पे मैं कंटेंट को अपलोड कर दूंगा तो इस टाइम तक तो अच्छा चलेगा। तो ये डिसीजन आप ले पाओगे कि आपका जो फॉलोअर्स है वो किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है डिवाइडेड ग्राफ दिया गया है, ब्रेकडाउन दिया गया है, जिससे आपको और भी डिटेल में नॉलेज मिलेगा। और ये सारे डिटेल को एक्सपोर्ट करना, इन सारे डिटेल को फिल्टर करने के लिए आपके पास डेटा ज़्यादा होने का ज़रूरत है, और डेटा तभी ज़्यादा होगा जब आप एक लॉन्ग टर्म में पेज पे कुछ काम कर चुके होंगे। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि अगर आप अभी नए नए हो तो पेज पे आप कंटेंट अपलोड करते जाओ, 2-3 महीने बाद आपको ये सारे पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आपके पास एक डेटा हो और उस डेटा से आपको समझ में आए कि आगे चल के आपको आपके पेज पे कैसे काम करना है। तो दोस्तों ये बहुत किफ़ायती टूल है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है वीडियो, और ये बहुत ही किफ़ायती टूल है, और इसके अंदर आप देख सकते हो वीडियो परफॉर्मेंस, लॉयल्टी एंड रिटेंशन वाला ऑप्शन रहता है, जिसपे लॉयल्टी एंड रिटेंशन, ये दो पॉइंट एज ए क्रिएटर आपके लिए बहुत बहुत वाइटल है। लॉयल्टी पे आपको ये पता चलेगा कि आपका रिटर्निंग व्यूअरशिप क्या है। लॉयल्टी मतलब कि एक आपके ऑडियंस के साथ लॉयल हो रहे हो, और ऑडियंस जो एग्जिस्टिंग आपके पेज पे है वो लोग बार बार लगातार आपके वीडियो को देखते हैं। तो मेरे केस पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है मैं रिटर्निंग व्यूअर को एंगेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। तो आपको भी यहाँ से देख के ही पता चलेगा ये टूल के थ्रू आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये एक बहुत किफ़ायती टूल है। उसके बाद जो रिटेंशन वाला टूल है, ये आपको देखते रहना है लगातार। यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है आपका जो रिकमेंडेशन एल्गोरिदम है वो ज़्यादा ट्रिगर हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 91% जो मेरा व्यूज़ आता है वो रिकमेंडेशन से आ रहा है। तो अगर आपका भी ऐसे लेवल का व्यूज आएगा रिकमेंडेशन से, तो आप समझ सकते हो आपके पेज पे वायरल फैक्टर बहुत ज्यादा है। आए दिन में आपका पेज ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजेस्ट किया जाएगा फेसबुक एल्गोरिदम के द्वारा। तो हमेशा आपको ये जो एल्गोरिदम है उसको ट्रिगर करना है, उसको आपको हिट करना है, और उसके लिए आपको वायरल करना पड़ेगा आपके एक या दो कंटेंट को। जब होगा तो आपका ये वाला जो मतलब एल्गोरिदम है उसका ट्रिगर ही आपके पेज पे ज़्यादा होगा। यहाँ पे देख सकते हो फॉलोअर से सिर्फ 8% व्यू आता है, और शेयर तो लोग कर ही नहीं रहा है। अगर आपका ये तीनों ही एल्गोरिदम जबरदस्त चलेगा तो आपके पेज को वायरल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। फिलहाल मुझे इस टूल्स के मदद से ये तो पता चल रहा है कि मेरे पेज पे अभी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब इशू आएगा
पॉलिसी का मिस्टेक करोगे। अगर पॉलिसी के बारे में अभी भी आपको जानकारी नहीं है तो पिछले एपिसोड देख लो, मैंने पिछले जो इसी शो के एपिसोड पे बात किया है तो वहाँ पे बताया है कि पॉलिसी क्या क्या मिस्टेक होने से क्या क्या इशू होता है। वो सब नहीं रहेगा तो रिकमेंडेशन अच्छा रहेगा, उस पर इशू आएगा रिकमेंडेशन फेसबुक कम कर देगा क्योंकि लोगों को सजेस्ट नहीं करेगा। तो इससे आप आपके पेज का कैसा हेल्थ है उसका एक वेरिफिकेशन कर पाओगे, वेरीफाई कर पाओगे। ये भी बहुत किफायती टूल है। अब बढ़ता हूँ अगला टूल, यहाँ पे स्टोरी देख पाते हो। यहाँ पे स्टोरी वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपका पेज का जो स्टोरी होगा उसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या एंगेजमेंट है, क्या यूनिक ओपन रेट है, वो सब डिटेल में यहाँ से आप फिगर आउट कर पाओगे। तो ये भी एक किफ़ायती टूल है। और उसके बाद ये जो इंस्टेंट आर्टिकल है, पहले ही बोला है ये तभी आपको किफ़ायती होगा जब आप आपके पेज को इंस्टेंट आर्टिकल के थ्रू मोनेटाइज करोगे, वेबसाइट को पेज के साथ लिंक करके। और वो वेबसाइट आपका खुद का होना चाहिए, उस पर ब्लॉग डालना चाहिए, 10 आर्टिकल से ज़्यादा होगा तभी चांसेस होता है, और रीडर व्यूअरशिप जो है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली वेबसाइट का डोमेन थोड़ा सा पुराना होगा एक साल का, और उसके साथ अगर 20,000 तक का व्यूअरशिप है आपके वेबसाइट पे तो ज़्यादा चांसेस हो जाता है इस टूल से अप्रूव मिलने का और मोनेटाइज होने का। तो यहाँ पे आप इंस्टेंट आर्टिकल के थ्रू ये सारे ऑप्शन का, जो आपके इंस्टेंट आर्टिकल का परफॉर्मेंस वगैरह होगा, कॉल टू एक्शन, ये सब देख पाओगे। और ये एक न्यू फीचर लाया है इंस्टेंट आर्टिकल के अंदर जो कि थोड़े दिन पहले मैंने अपडेट दिया है। अगर अधिक जानकारी चाहिए चैनल पे रेवेन्यू लिफ्ट लिख के सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएगा। बढ़ता हुआ अगले पॉइंट की तरफ, ये है हमारा पेज का इनबॉक्स जहाँ पे आपको आए दिन लोग जो भी मैसेजेस करते हैं वो सारे मैसेजेस आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये आपके पेज के इनबॉक्स है, ये आपके पेज के नोटिफिकेशन है। तो बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि हम हमारे पेज पे कंटेंट को ओपन किए बिना कैसे कमेंट सेक्शन पे रिएक्ट करें ताकि हमसे कोई एंगेजमेंट बेट ना हो। तो आपको भी इनबॉक्स पे आके ऐसे ही फेसबुक पेज पे क्लिक करके यहाँ से आपको देखना है, और यहाँ पे आप कमेंट आराम से लिख पाओगे। वो भले वीडियो हो ओपन नहीं होगा, चालू नहीं होगा, कंटेंट हो, कोई भी पोस्ट हो ओपन नहीं होगा, चालू नहीं होगा, यहाँ से आप एक एक करके कोई भी पोस्ट को ऐसे क्लिक करके या कोई भी वीडियो को ऐसे क्लिक करके, जो कि ये मेरे वीडियो है आप देख सकते हो ये ओपन नहीं हुआ है, और मैं यहाँ पे देख पाऊँगा किसने क्या कमेंट किया है उस पर्टिकुलर वीडियो पे। आपको सिर्फ ड्रैग ड्रॉप करके ये सबको करना है, और फिर आपको यहाँ पे जैसे ये इन्होंने किया है तो यहाँ से आप रिप्लाई कर दो, ना तो वीडियो ओपन हो रहा है ना तो आपको एंगेजमेंट बेट आने का कोई चांसेस है। तो ये आपको इस तरीके से मेंटेन करना है। बहुत कम लोगों को पता होता है, बोलता है कि मैं वीडियो को ओपन करे बिना कैसे कमेंट करो, तो ऐसे किया जाता है कमेंट। ये भी एक बहुत ही किफ़ायती ऑप्शन है। तो दोस्तों इसके बाद जो ऑप्शन आता है मोनेटाइजेशन का, वही तो मेन चीज़ है क्योंकि मोनेटाइजेशन से ही हमें पैसा मिलेगा, और फेसबुक पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके का मोनेटाइजेशन होता है। ये एपिसोड में एक नया एपिसोड बनाऊंगा मोनेटाइजेशन के ऊपर, जहाँ पे मैं हर एक टूल के मोनेटाइजेशन का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे मोनेटाइज करना होगा, और इसको मोनेटाइज करने से जो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके का मोनेटाइजेशन है उसको करने से क्या फ़ायदा होगा एज ए क्रिएटर, वो भी आएगा, वो मैं नेक्स्ट एपिसोड पे लाऊंगा। तो इस वाला जो पॉइंट है क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, इसको मैं आज के एपिसोड पे कवर नहीं करूंगा। अगला जो पॉइंट है वो क्रिएटिव टूल्स है, जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। पता नहीं कितने प्रतिशत लोगों को यहाँ में मालूम है, अगर आपको पहले से पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। दोस्तों ये क्रिएटिव टूल के अंदर एक लाइव डैशबोर्ड रहता है, और ये लाइव डैशबोर्ड जो है लाइफलाइन होता है एक गेम लाइव स्ट्रीमर के लिए जो कि फेसबुक पे गेमिंग वीडियो को लाइव स्ट्रीम करता है। तो ये ऑप्शन बहुत किफ़ायती है। इसको कैसे सेटअप करना है, कैसे लाइव स्ट्रीम करना है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोज है, किस किस एप्लीकेशन से कर सकते हो, उन एप्लीकेशन से कैसे किया जाता है, उसके ऊपर भी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है। ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गेमिंग को लेके तो फेसबुक गेमिंग लिख के सर्च करो, मेरे चैनल पे वीडियोस आपको भरे भरे मिलेगा। बढ़ता हुआ अगले पॉइंट की तरफ, ये जो साउंड कलेक्शन वाला ऑप्शन है ये हर एक फेसबुक क्रिएटर के लिए बहुत बहुत वाइटल टूल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि मैं कहाँ से म्यूज़िक यूज़ करूँ मेरे वीडियो को एनलार्ज करने में, मेरे वीडियो के क्वालिटी को एनहेंस करने में, और बहुत ज़्यादा इस पर वैल्यू प्रोवाइड करने में। तो आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ट्रैक है, और ये सारे ट्रैक जो है कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है,
इन म्यूजिक को आप यूज करोगे आपके फेसबुक पेज के वीडियोस पे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। सिंपली से यहाँ से आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है और इसको यूज करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे 8000 से भी ज्यादा ट्रैक फाउंड हो रहा है आज के डेट पे। उसके साथ साउंड इफेक्ट, अगर आप आपके वीडियो पे साउंड इफेक्ट डालना चाहते हो तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट भी है। 1700 से भी ज्यादा यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट मिल रहा है यूज करने के लिए। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप लोगों को आपके वीडियो पे अगर म्यूजिक यूज करना है तो आप यहाँ से ही म्यूजिक यूज करो। कोई भी पॉलिसी का वायोलेशन नहीं होगा, कोई भी कॉपीराइट या फिर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। अब बढ़ता हूं अगला पॉइंट जो कि है सेटिंग। दोस्तों ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको पेज क्वालिटी देखने के लिए मिलते हैं। आपका पेज का क्वालिटी कैसा है, खराब तो नहीं हुआ, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन तो नहीं हुआ, वो सब डिटेल जो है आपको ये सेटिंग के अंदर दिखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे पेज क्वालिटी करके ऑप्शन रहता है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको आपके पेज क्वालिटी के बारे में अधिक जानकारी मिलेगा। अब दोस्तों एक होता है पेज क्वालिटी और एक होता है पेज पॉलिसी। अगर आपका पेज पहले से मोनेटाइज है तो आपको जैसे ही मोनेटाइजेशन पे क्लिक करोगे नीचे यहाँ पे पेज पॉलिसी लिख के आएगा। अगर आपका पेज मोनेटाइज नहीं है तो उस केस पे आपको मोनेटाइजेशन पे क्लिक करके जिस पेज का पेज पॉलिसी चेक करना है उस पेज पे आना पड़ेगा और फिर आपको ऐसे उस पेज पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको नीचे आना है, फिर आपको टूल अदर टूल पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पेज पे कोई पॉलिसी इशू रहा तो तुरंत दिखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो क्राइटेरिया नॉट मीट है, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे थोड़ा सा नीचे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पॉलिसी इशू दिखने के लिए। अगर कोई भी पॉलिसी इशू होगा तो आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो अगर आपके पेज पे पॉलिसी इशू है या नहीं है। अब दोस्तों लास्ट जो पॉइंट है वो है रिसोर्स। इसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल्स नहीं बताऊंगा, ये आपको बोर करेगा। अगर आपको शॉप फेसबुक शॉप के बारे में जानना है या फिर इंस्टेंट आर्टिकल के बारे में जानना है तो यहाँ से आपको क्लिक करके इन सारे चीजों को यूज करना है। बाकी दोस्तों जो मोनेटाइजेशन विथ फेसबुक वाला ऑप्शन है इसके बारे में मैं नेक्स्ट एपिसोड पे आप लोगों को पूरा डिटेल समझा दूंगा। होप गाइस आप लोगों को ये फेसबुक फ्री मनी मेकिंग कोर्स से बहुत ही ज्यादा वैल्यू मिल रहा है। अगर सही में वैल्यू मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ताकि मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले क्रिएटर को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। किसी ने भी लास्ट एपिसोड्स को नहीं देखे हो तुरंत जाके देख लेना क्योंकि वैल्यू आपको तभी मिलेगा, नॉलेज आपको तभी मिलेगा और पूरा एपिसोड सीखोगे तो ही आप क्रिएटर कहलाओगे। मिलता हूं अगले एपिसोड के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन का नाम कर दोस्तों, बाय।